मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूँ। जब भी यात्रा में होता हूँ तो लगातार उनको देखते रहता हूँ, किस गांव में, किस राज्य में, कहाँ कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। हम सबक लेते हैं कि देश की सुगति विरासत पर गर्व करेंगे। हम सबक लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। गांववासियों की तरफ से आज की हमारी मुख्य अतिथि मंत्री श्रीमती कमलेश टांडा जी का की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी वासियों यहां पर गांव के भाई बहन आए हैं। पिछले कई दिनों से टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आपने सुना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार चली है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए संकल्प लिया है। भाई अरुण श्राफ जी गांव खड़ौता में पहुंचा है, उनका भी गांव में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और उस यात्रा का नाम रखा गया है विकसित भारत संकल्प जन समाप्त यात्रा। इसके अंदर ये निर्णय लिया सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, कि हरियाणा प्रदेश के 6200 के लगभग पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में पूरे जिले का प्रशासनिक अधिकारियों का अमला आपके बीच में आएगा। और जो सरकार की स्कीमें हैं, चाहे सरकार की उज्ज्वला योजना है, बुढ़ापा पेंशन योजना है, अंत्योदय स्कीम है, चिरायु योजना है, आयुष योजना है, बुढ़ापी पीड़ित राशन कार्ड की योजना है, जिस भाई बहन तक सरकारी स्कीमों का योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, उनको तुरंत वहीं पर आज जैसे खड़ौता में आए हैं, तो यहाँ के खड़ौता के किसी भाई का बुढ़ापी कार्ड नहीं बढ़ा है, राशन कार्ड नहीं है, कोई पात्र है मान लो 60 साल से उसकी उम्र ज्यादा है और बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ी है, तो इस प्रकार की योजना का आज आपके गांव में यहीं पर मंत्री जी के निर्देश पर डीसी साहब के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, चाहे बुढ़ापा पेंशन का है, आयुष्मान कार्ड का है, दूसरे राशन कार्ड है, गुलाबी पेड़ जो पात्र है जो शर्तों को पूरी करते हैं, आज मोर्चे पर ही बनाने का काम किया जाएगा। और जिस किसी में कोई शर्त पूरी नहीं करता उनके नाम लिख लिए जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर वो कैंसिल में जा करके आज इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, आपको हल्के के मंत्री महोदय इस प्रकार का गाँव है जहाँ से सबसे ज्यादा नौजवान विदेशों में गए, सबसे ज्यादा इस गाँव का कोई भी साथी आज तो सरकार ने इस प्रकार की स्कीम बना दी नौकरी की कि मेरिट के आधार पर नौकरी लगेंगे। और जिस बच्चे ने इस गाँव में अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाई होगी, हमें पता लगे कि 14-15 बच्चे नौकरी भी लगे, परंतु ये सच्चाई है मंत्री महोदय, यहाँ का कोई भी नौजवान साथी नौकरी मांगने के लिए कम से कम नहीं आता है, क्योंकि इनका विदेशों में है, सारे कोई अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में पूरे का परिवार सेट है। और मैं तो इसका ये भी उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं 20 साल पहले मंत्री महोदय जब विधायक था, जब बाहर जाने का मौका मिला, हम अमेरिका भी गए, कनाडा भी गए, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं गए, परंतु खड़ौता गांव के वहां पर साथी, देहरादून के सारे गांव के लोग वहां पर मिले और विदेशों में गए। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम सोचते थे हमारी भी कभी इस प्रकार की सड़कें होंगी, हमारी भी कभी 24 घंटे बिजली रहेगी। सभी पत्रकार बंद,
करती हूँ, जिन्होंने झारखंड के खूंटी से इस 15 नवंबर को इसकी शुरुआत की और इसी के आदेशानुसार हमारे आज 30 नवंबर को सारा हरियाणा प्रदेश में ये विकसित महासंकल्प जो यात्रा है उसकी शुरुआत हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद से इसकी शुरुआत की है और सभी मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने आज अलग अलग जिलों में इसकी शुरुआत करने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 9 साल के कार्यकाल में और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के 9 साल के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में जो भी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बढ़ाई उनका लाभ हर एक व्यक्ति को हर एक वर्ग को इसको मिले तो इसलिए इसकी शुरुआत करने का काम किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक सार्थक पहल है और योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिले और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 इसमें पॉइंट दिए हैं जैसे नारी शक्ति, किसान शक्ति, युवा शक्ति और इसमें जो हमारा गरीब का उत्थान कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको मजबूत किया जाए और विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है उसमें 2047 तक कैसे हम अपने इस देश को कैसे विकसित करने का, स्वावलंबी करने का और विकसित